भारतीय जनता पार्टी ने की प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता में पार्टी द्वारा सिंधिया पर जमकर निशाना साधा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंधिया ने 17 साल में चुनिंदा काम ही कराए हैं, यह कैसा विकास है। लेकिन 3-4 कारक को छोड़ दे तो सिंधिया का विकास कहीं नजर नहीं आता, यह कैसा विकास है। इससे पूर्व भी सिंधिया घराने का वर्चस्व इस सीट पर रहा है, लेकिन विकास नहीं दिखा। उनके समय की इंदिरा जो कुटीर उटेर थी उनका कहीं अस्तित्व नहीं दिखता। हमारे मोदी जी की सरकार में जो प्रधानमंत्री आवास हैं उनको अलग से, या आप बोर्ड से निकलोगे कहीं से तो आपको कॉलोनी नवा अलग से दिखेगा। पहले कहीं गांव में पंचायत में एकाध कुटीर आती थी तो सरपंच मरपंच सब बता देते थे। कॉलोनी की कॉलोनी आपको ऐसा दिखेगा कि विकास का ही मॉडल है। तो दोनों की विकास की परिभाषा का अंतर है। केंद्र सरकार में जो उद्योग मंत्री थे इन्होंने दो, एक हरिपुर पे और एक मावर पे, तो छोटी छोटी इकाइयां लगाकर 17 साल का हिसाब केवल दो इकाइयों में और एक बाईपास में समट गया। 17 साल का गुना की जनता इनसे हिसाब मांगती है और हिसाब की पूछताछ करती है, पढ़ी लिखी है और समझदार है। गांव की भोली वाली जनता नहीं है, इसलिए ये चुनाव शहर से हारते हैं। मिलेगी मोदी जी संभाग में एक रैली, 4 सीटों में से स्थान को चयन करेंगे ग्वालियर संभाग में। सभी की मांगा उनने, सभी की संभावना तलाशी, लेकिन 4 में से एक सेंटर पॉइंट में जिसमें चारों लोकसभा प्रभाव पड़े ऐसा वो। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के टिकट को लेके भाजपा की जो भाजपा कार्यकारी कहीं ना कहीं उनमें भी आपसी तालमेल नहीं है, ऐसा देखने में आया जिला लेवल पर। भारतीय जनता टिकट को लेके कहीं ना कहीं कुछ, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिस दिन प्रत्याशी घोषित हो जाता है, ये तो हमारे उपचुनाव के टाइम आ गए थे। हमारे कार्यकर्ता के नाते उन्होंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और वर्तमान में हमारे प्रत्याशी, एक दिन में भी आए हुए व्यक्ति को हमने सनी देवल को, जयप्रदा को अथवा अन्य कई पश्चिम बंगाल को, जिसको हमको लगा, हमारी संसदीय बोर्ड को लगा कि इसको हमको लड़ाना है, उसको हमने